हेलो दोस्तों, पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस पे। वैसे आप सभी ने सुन रखा है, काफी पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है। लोग डरे हुए भी हैं और साथ ही साथ भ्रमित भी हो गए हैं। लेकिन इन सभी बातों के अलावा और भी कई सारी बातें हैं जो हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी है जो हमें मीडिया के थ्रू या समाचारों के थ्रू पता चल गई है कि मास्क पहनकर निकलना है, सैनिटाइजर से हमें बार बार हाथ धोते रहना है, दिन में 10-15 बार अपने हाथ धोने हैं, साथ ही साथ पब्लिक प्लेसेस पे हमें जाना अवॉइड करना है, होटल का खाना खाना बंद करना है। इन सभी बातों के अलावा भी मैंने नोटिस किया कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हम घर में भी ध्यान रख सकते हैं। अब आप कहेंगे मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ ही हूँ। एज अ हाउसवाइफ मैंने नोटिस किए कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, हम फल और सब्जी लाते हैं घर में और उन्हें ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन अगर लाते ही हम उन्हें 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून मीठे सोडे के साथ अगर उन्हें धोकर रखें तो काफ़ी हद तक बैक्टीरिया उसमें खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ नए कपड़ों की खरीदारी आप अभी नहीं करें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कपड़ों पर काफ़ी लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं। और साथ ही साथ हम कई बार रिश्तेदारों के भी कपड़े पहनते हैं, अपने दोस्तों के भी पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड कर लेनी है इस वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए। साथ ही साथ अगर आप पैक्ड फूड लाते हैं जैसे कि बिस्किट, नमकीन या कोई भी चीज़, तो उन पैकेट में से आप उन सभी चीज़ों को निकाल के अपने घर के साथ धुले हुए कंटेनर में शिफ्ट कर दें, क्योंकि पैकेट्स पर भी काफ़ी लोगों के हाथ लगे होते हैं। दोस्तों, कई बार बच्चे हैं जो बाहर पहनने वाली चप्पलें या शूज़ घर में ले आते हैं, तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड करें। जितनी कोशिश हो सके उन्हें बाहर ही रखें। अगर आपके घर के बाहर जगह है तो आप कोशिश करें कि उन्हें बाहर ही रखें। साथ ही साथ आप गर्म पानी पिएं दिन में 4 से 5 बार, बच्चों को भी दें और दूसरे सदस्यों को भी इसके लिए फोर्स करें। दिन में 3 से 4 बार आप नमक के पानी के घरारे करें। ये अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी करें, इससे आपकी सुरक्षा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है आपके गले में थोड़ा सा भी दर्द है तो तुरंत उबला हुआ पानी, यानी कि बिल्कुल उबला हुआ नहीं, थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी पिएं, क्योंकि कोरोना वायरस, जैसा कि मुझे मेरे डॉक्टर ने भी बताया था कि गर्मी के कॉन्टेक्ट में आते ये वायरस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को आप नकारे नहीं इस बीमारी को, क्योंकि ये सुनने में बहुत हल्की लग रही है और काफ़ी कम लोगों को हुई है अभी तक, लेकिन ये फैलेगी तब बहुत ज़्यादा फैल जाएगी अगर हम लापरवाही बरतेंगे और सावधानी नहीं बरतेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए आप सावधानी बरतें, थोड़े सतर्क रहें, अपनी भी सुरक्षा करें, अपने आसपास वालों की भी सुरक्षा करें और सभी का ख्याल करें। लेकिन इस वायरस के दौरान जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई है वो तो है मास्क और साथ ही साथ सैनिटाइजर। सैनिटाइजर मार्केट में बहुत ही महंगे मिल रहे हैं और कई बार तो हमें मिल ही नहीं रहे, लेकिन घर में भी आप बहुत ही कम चीज़ों से और बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से सैनिटाइजर बना सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए एक होममेड सैनिटाइजर की विधि भी लेकर आई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की विधि की तरफ। दोस्तों, होममेड सैनिटाइजर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, हमने पतंजलि का लिया है। यहाँ पे हमने गुलाब जल लिया है, डिटॉल है, साथ ही साथ हमने एक नींबू लिया है और कुछ तुलसी के पत्ते हैं। और यहाँ पर हमने सबसे खास चीज़ नीम की पत्तियाँ ली है, ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले गैस पर एक पतीला चढ़ाएंगे, गैस ऑन कर दें। अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे, आप चाहें तो 2 लीटर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम इस तरह से नीम की पत्तियों को तोड़कर डाल देंगे। सभी पत्तियां हमने तोड़कर इसमें डाल दी हैं और इसी में हम तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे और नींबू को हम काट कर इसमें डाल देंगे। ये सभी बनाते समय आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें और नीम की पत्तियों को भी उपयोग करने से पहले हमने धो लिया था अच्छी तरह से। और इसे हम ढककर 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से उबलने देंगे। जब तक ये उबल रहा है तब तक हम आपको मास्क की प्रक्रिया बता देंगे। अगर आपके पास रेडीमेड मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सफ़ेद सूती रुमाल ले लें, जो जेंट्स लोग यूज़ करते हैं वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, तो इस तरह से आप मास्क ले लें और पूरा दिन उसे इस्तेमाल करने के बाद आप रात को इसे डिटॉल में अच्छी तरह से धो लें। हमने यहाँ पर डिटॉल की 3 से 4 बूंदें ली हैं और इस तरह से आप गुनगुने पानी में उसे डालें और मास्क को 4 से 5 मिनट तक उसमें गला कर रखें और फिर अच्छी तरह से निचोड़ कर सुखा दें और फिर अगले दिन के लिए आप मास्क फिर से इसे प्रयोग कर सकते हैं।
पाँच से सात मिनट बाद आप देखेंगे कि ये नीम की पत्तियाँ अच्छी तरह से उबल गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम छान लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बदल चुका है। अब इसमें हम डेटॉल मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने दो बड़े चम्मच के लगभग डेटॉल इसमें डाल दिया है। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है और बहुत ही किफ़ायती दाम में घर में बनकर तैयार हो जाता है। नीम की महक को हटाने के लिए यहाँ पर हम गुलाब जल डालेंगे। दो से तीन चम्मच आप इसमें गुलाब जल डाल दें। आप चाहें तो ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा है तो आप उसका जेल भी डाल सकते हैं। जेल डालने से त्वचा में नमी बनी रहती है जब हम सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं तब। जेल को हम विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस मिश्रण को अब हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिश्रण जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब हम इसे किसी भी बॉटल पर ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर इस तरह की बॉटल है। ये डिस्पेंसर आपको आराम से प्लास्टिक की दुकानों में मिल जाते हैं और एक फनल की मदद से हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। आपके पास पुरानी कोई भी डेटॉल या किसी भी हैंड वॉश की बॉटल हो आप उसमें भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा हैंडमेड सैनिटाइज़र तैयार है। आप इस तरह की बॉटल में भी भर सकते हैं। ये हमारे पास में रबिंग एल्कोहल है जो मार्केट में मिलता है। ये सैनिटाइज़र में ख़ास तौर पर प्रयोग होता है और इसे साफ़ सफाई के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं आपको इसे भी यूज़ करना बता देती हूँ इसी के साथ में। अगर आपको ये मिल जाए तो आप इसी मिश्रण में जो हमने भी तैयार किया है दो चम्मच भरकर इसे मिला सकते हैं। ये सैनिटाइज़र एल्कोहलिक बनेगा। अगर आपको ये मिलता है तो ही उपयोग करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप इसे बनाएं, अगर इसका उपयोग करें और इसे अपने हाथों पर अप्लाई करते हैं तो किचन में गैस के पास में इससे ज़्यादा काम ना करें। गैस पे काम करने से पहले अपने हाथों को साफ़ पानी से धोएं, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको इसे इस्तेमाल करना है जब भी आप बाहर से आएँ, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी इसे बनाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।